नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन वर्सेस Ulefone Power Armor 13 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन में 6.3 इंच जबकि Power Armor 13 में 7.23 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन में 2.88 इंच जबकि Power Armor 13 में 3.36 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन में 0.3 इंच जबकि Power Armor 13 में 0.82 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन में AMOLED जबकि Power Armor 13 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन में 6.55 इंचेस जबकि Power Armor 13 में 6.81 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन में 88.56% जबकि Power Armor 13 में 71.45% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन में 402 पिक्सल प्रति इंच जबकि Power Armor 13 में 386 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Power Armor 13 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Power Armor 13 की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Power Armor 13 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन में Mali G77 MC9 जबकि Power Armor 13 में Mali G76 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन में MediaTek Dimensity 1200MT 6893 और Power Armor 13 में MediaTek Helio G95 मिलता है। बात करें RAM की तो Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन में 12GB जबकि Power Armor 13 में 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन में नहीं है, जबकि Power Armor 13 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 1 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Reno 6 Pro 5G दिवाली एडिशन 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹41,990 में मिल जाता है और बात करें Power Armor 13 की तो वो 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹37,500 में मिलता है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G दिवाली एडिशन में 5 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें उलेफोन पावर आर्मर 13 की तो उसमें 1 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में रेनो 6 प्रो 5G दिवाली एडिशन आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है जो कि 18,999 रुपए में मिलता है। दूसरा Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max है जो कि 21,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Xiaomi Redmi 9 Power है जो कि 13,499 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y72 5G है जो कि 20,990 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।